मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लिया हमने, उसके बारे में कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फोर फेजेस, चार फेज हैं इसमें। तो सबसे पहला हम समझते हैं, फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करें तो ये क्या है, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशियल फेज होता है, और इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक कर जाती है। इन दिस फेज एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, इसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगा और क्या होता है इसमें, इन दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन रहेगा किसका, लो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा इसमें वेजाइना से फ्लूड सिक्रेट होता है। इन दिस फेज मेंस्ट्रुअल फ्लूड इज सिक्रेटेड या रिलीज्ड आउट थ्रू वेजाइना। और इसमें क्या क्या रहेगा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन ब्लड, में ब्लड होगा प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, जिसको हम सेकेंडरी ओसाइड बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस कुछ अमाउंट इसमें रहता है डीजेनरेटिव पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब वेजाइना से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फेज को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज। इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, जब सबसे पहली बार होगा मेंस्ट्रुएशन, पहली बार जब ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है, यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको बोलते हैं मेनार्ची। यहां लिख देते हैं नोट करके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्ची। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्ची बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और लास्ट टाइम जब होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मीनोपॉज बोलते हैं। सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं अब हम। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो सेकेंड फेज हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज या इसको बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। देखिए इसमें क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज की यदि बात करेंगे तो इसमें लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और वो FSH प्रोड्यूस करेगी। तो इसमें क्या होता है,
इन दिस फेज लेवल ऑफ FSH increases और FSH क्या करेगा, FSH act on follicular cells which form primary then secondary then tertiary and finally graphene follicle. Finally क्या बन जाएगा इसमें, graphene follicle बन जाएगा. तो यहां पर क्या हो रहा है, proliferation हो रहा है सेल का, ठीक है. तो यहां पर क्या हो रहा है, हेयर proliferation of cells takes place. इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो रिकवर हो जाती है. तो रिकवरी ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम दोबारा से रिकवर हो जाएगी, बन जाएगी. और थिकनेस कितनी हो जाती है इसकी, 2 से 3 mm थिक हो जाती है, 2 to 3 mm थिक हो जाएगा, ठीक है. और इस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है. तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा. तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब एस्ट्रोजन लेवल हाई हो गया तो फिर जाकर वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है आपका LH. तो एक नोट लिख देते हैं हम यहाँ पर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड विच रिलीज LH, जो कि LH रिलीज कर देगा, ठीक है जी. फिर थर्ड फेज जो हमारे पास आता है इसके बाद वो है आपका ओव्यूलेटरी फेज. तो ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, थर्ड फेज समझते हैं. थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज. थर्ड फेज समझ लेते हैं हम लोग अब, ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. इट इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे छोटा फेज है. और ये कब होता है, इट इज अराउंड मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है. और इस फेज में क्या होता है, एट दिस फेज लेवल ऑफ LH इज मैक्सिमम हो जाता है, हाई हो जाएगा. और क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड LH सर्ज.
याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, इसको एलएच सर्ज बोलते हैं। और ये एलएच क्या करता है? एलएच कॉजेज रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इससे ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा, विच रिलीज ओवम। इससे ओवम या एग रिलीज होगा, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है? दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस इवेंट को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसका, ग्राफिन फॉलिकल का, वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो चेंज हो जाएगा और बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तीन स्टेज होती है यहाँ पर। कॉर्पस हिमोरेजियम बनता है, फिर ल्यूटियम बनता है, फिर वो डीजेनरेट करता है, कॉर्पस एल्विकेंस बनता है। ये हम ओवरी में समझ चुके हैं। तो एक नोट यहां भी लिख लेते हैं हम। डी डीजेनरेटिव या ऐसे लिखो, दी रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर शुरू होगा हमारा जो नेक्स्ट फेज, फाइनल फेज, वो रहेगा ल्यूटियल फेज, या इसको बोलते हैं हम लोग सिक्रीटरी फेज। तो फोर्थ फेज समझ लेते हैं हम लोग अब, ल्यूटियल फेज। फोर्थ है ल्यूटियल फेज, या इसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। इसकी यदि बात करें तो इसमें क्या होगा? इन दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक्स प्लेस। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इस फेज में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीशन होगा हार्मोन का, और वो रहेगा प्रोजेस्टेरोन। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टेक्स प्लेस। इसकी वजह से क्या होगा? जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा तो जो कंसंट्रेशन है प्रोजेस्टेरॉन की वो बढ़ जाती है यहां पर। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और क्या होगा? एलएच की कंसंट्रेशन और एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन कम होगा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ LH एंड एस्ट्रोजन और FSH, ये सब की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। इसके अलावा यहां पर इस फेज में, इनिशियल इस फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग और बढ़ जाती है, और वो कैसे हो जाती है? 5 mm हो जाती है। एंडोमेट्रियम बिकम
मोर बेबी। और थिकनिंग कितनी हो गई? 5 mm थिक हो गई है। और ये क्या है? ये है रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है, ठीक है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इफ, ये नोट करके लिख लेते हैं हम यहां पर, इफ फर्टिलाइजेशन डस नॉट अकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? देन अगेन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल स्टार्ट डिक्रीज एंड एंडोमेट्रियम बिकम टफ। ये दोबारा टफ हो जाएगा एंड ब्रेक टू टू स्टार्ट अ न्यू न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 फेज हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा और वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। तो एक नोट हम यहाँ और लिख देते हैं, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई टू सपोर्ट या मेंटेन प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में एमसी भी बोलते हैं, तो आपके पास एमसी भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से क्लियर हो गया, हमने पूरा साइकिल देख लिया और हर एक इवेंट को यहाँ पर अलग से समझ भी लिया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट है अगर यहाँ तक, तो आप अपना डाउट बोल सकते हैं, वरना फिर हम आगे बात करते हैं और थोड़ी सी बात हम पोस्ट्रस साइकिल के बारे में करते हैं। चलिए, ऑल डन, ठीक। तो आगे बात करेंगे पोस्ट्रस साइकिल के बारे में, बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, शोन बाय नॉन प्राइमेट्स। ये नॉन प्राइमेट्स में देखा जाएगा। और नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स में देखा जाता है, जो एक पर्टिकुलर सीजन आने पे रिप्रोडक्शन शो करें उनको बोलेंगे सीजनल ब्रीडर, ठीक है। सीजनल ब्रीडर मतलब इनके अंदर एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, तो हम ये बोल सकते हैं दे हैव स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सीजन। इनमें एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सीजन रहेगा, ठीक है। और ऐसी यदि फीमेल की बात करें कि ऐसे फीमेल
जिनमें जो नॉन प्राइमेट फीमेल हैं उनमें जो साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, उन साइक्लिक चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल बोलेंगे, या उस फेज को हम ऑस्ट्रस फेज या हीट पीरियड बोलते हैं। इन फीमेल शो दिस साइकिल, इन फीमेल शो दिस साइकिल, फेज इज कॉल्ड ओएस्ट्रस फेज, या इसको बोलते हैं हीट हीट पीरियड, ओएस्ट्रस फेज या हीट पीरियड इसको बोला जाता है। हीट पीरियड का मतलब इस टाइम पर जो फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रिसेप्टिव हो गई है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर सकती है। तो हीट फेज और हीट पीरियड में क्या होता है, इन दिस टाइम, इन दिस टाइम फीमेल आर रिसेप्टिव, रिसेप्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन। इस टाइम पर फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो इसमें आ जाएगा जैसे आपका डॉग हो गया, काउ हो गया, डियर हो गया, एग्जाम्पल कई सारे हमने देखे हुए हैं। एक हम काउ का एग्जाम्पल लिखते हैं। काउ का जो रिसेप्टिव पीरियड है वो 18 घंटों के लिए रहता है। काउ में रिसेप्टिव पीरियड कितना होता है, 18 आवर्स का होता है। यानी कि पूरा जो उसका ऑस्ट्रस साइकिल है उसमें से 18 घंटे के लिए उसका क्या रहेगा, रिसेप्टिव पीरियड होगा। मतलब 18 घंटे में यदि स्पर्म उसकी बॉडी में चला गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ऑस्ट्रस साइकिल पूरे साल में सिर्फ एक ही बार होती है, तो ऐसी ऑस्ट्रस साइकिल को बोलते हैं मोनो ऑस्ट्रस। तो यदि ऑस्ट्रस साइकिल साल में एक बार हो, वन ऑस्ट्रस साइकिल पर ईयर, ठीक है, साल में एक बार हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड मोनो मोनो ऑस्ट्रस, मोनोस्ट्रस। एग्जाम्पल देखें मोनोस्ट्रस का, तो डियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्ट्रस साइकिल साल में दो बार होती है, तो टू ऑस्ट्रस साइकिल्स पर ईयर, एक साल में दो बार हो रही है, एक साल में दो बार हो रही है, तो इसको बोलेंगे बाय ऑस्ट्रस, कॉल्ड बायोस्ट्रस। और बायोस्ट्रस का एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें आते हैं डॉग और कैट। कैट हो गई, डॉग्स हो गए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्ट्रस साइकिल साल में कई बार होती है, मैनी ऑस्ट्रस साइकिल्स पर ईयर, और इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है पॉलियोस्ट्रस। जैसे चूहा हो गया, एग्जाम्पल के लिए चूहा, रैट हो गया, ठीक है। और एक वो आता है गिनी पिग हो गए, GUINEPIG, गिनी पिग। ये भी वही होते हैं व्हाइट कलर के जो चूहे वगैरह होते हैं, गिनी पिग उन्हें बोला जाता है। हाँ, चूहो चूहो को ही कहते हैं, हाँ चूहो को ही कहते हैं। तो रैट हो गए और चूहे वगैरह हो गए, सॉरी रैट हो गए, गिनी पिग हो गए, इनके अंदर जो ऑस्ट्रस साइकिल है वो कई बार साल में कई बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रस साइकिल कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आप लोग करेंगे, क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिख लें फिर डाउट लेता हूं।
कंपेयर दी ऑस्ट्रा साइकिल विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें कंपैरिजन लिखेंगे आप, एक तरफ लिखेंगे ऑस्ट्रा साइकिल और एक तरफ लिखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां तक आज करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हमने फीमेल और मेल में दोनों में ओवम की फॉर्मेशन, या जो एक में ओवम और स्पर्म की फॉर्मेशन जो है, गैमेटोजेंस पूरा पढ़ लिया, दोनों के हिस्से पूरे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहां तक करके रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।